हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। पीसीएस की तैयारी सबकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा है सिखिज़म। ऑलराइट, और सिखिज़म के अभी तक तीन पार्ट देख चुके हैं। पहले दो पार्ट श्री गुरु नानक देव जी से रिलेटेड थे। पार्ट थ्री में हमने पढ़ा गुरु अंगद देव जी के बारे में। पार्ट फोर में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, विल बी स्टडिंग अबाउट द थर्ड सिख गुरु, गुरु अमरदास जी। ठीक है, और गुरु अमरदास जी ने दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स, मांझी और या मंझी इसको बोल सकते हैं, मंझी और पीवी सिस्टम जो है वो दिए। ये मंझी और पीवी सिस्टम्स क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और आनंद कारज ये क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ब्रीफली सबसे पहले देखेंगे गुरु अमरदास जी की लाइफ के बारे में, फिर इन दो सिस्टम्स के बारे में, एंड फिर आनंद कारज के बारे में। तो अगर गुरु अमरदास जी की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 सिख गुरुज हुए हैं, और ये थर्ड सिख गुरु जो थे आपके गुरु अमरदास जी थे। ये एक भल्ला खत्री फैमिली में इनका जो है बर्थ हुआ था 5 मई 1479 को बसकारे नाम की जगह पे, जो आपके प्रेजेंटली अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इन विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब गुरु अमरदास जी वॉज बॉर्न। ऑलराइट, तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनके लिए तैयार रहना है। पिताजी का नाम तेज भान और माताजी का नाम था भक्त कौर। ठीक है, तो पिताजी और माताजी के नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन पूछा जा सकता है। शादी हुई थी इनकी मनसा देवी जी के साथ, और मनसा देवी जो थी ये देवीचंद नाम के व्यक्ति की बेटी थी। और शादी के बाद इनके चार बच्चे हुए, दो बेटे और दो लड़कियाँ। बेटों का नाम था मोहरी और मोहन, और बेटियों का नाम था दानी और भानी। फैक्चुअल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब अगर आप देखो, गुरु अमरदास जी जो थे कट्टर वैष्णवाइट थे। ठीक है, वैष्णवाइट जो विष्णु भगवान को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको वैष्णवाइट बोला जाता है, तो पक्के कट्टर वैष्णवाइट थे। और हर साल हरिद्वार जाया करते थे, वहाँ पर गंगा स्नान करने जाया करते थे, पक्के एक तरह से स्टॉन्च हिंदू थे। अब हुआ क्या, एक बार गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की जो बेटी थी बीबी आमरो, इनकी शादी हुई हुई थी बीबी आमरो की गुरु अमरदास जी के नेफ्यू के साथ, भतीजे के साथ। ठीक है, तो एक बार गुरु अमरदास जी ने बीबी आमरो को गुरु नानक देव जी की बाणी गाते हुए सुन लिया। अभी बाणी सुन करके वो इतने ज़्यादा क्यूरियस हो गए, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो चाहते थे कि वो भी गुरु से मिले। तो गुरु अमरदास जी की क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए वो मिलना चाहते थे उस व्यक्ति से जो गुरु नानक देव जी की जगह पर बैठा है। तो इसी वजह से 1540 में बीबी आमरो जो है गुरु अमरदास जी को अपने पिताजी गुरु अंगद देव जी के पास ले गई खदूर में। खदूर साहिब जी, जहाँ आप सब जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने नया सेंटर बनाया था गुरु अंगद देव जी ने, ये हमने पिछली लेक्चर में देख ही लिया था। तो गुरु अंगद देव जी से मिलने के बाद इतने वो जो है गुरु अमरदास जी इतने ज़्यादा स्टॉन्च रह गए, इतने ज़्यादा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित रह गए, कि वो उसी समय जो है गुरु अंगद देव जी के शिष्य बन गए। और फिर उन्होंने आगे के अपने 12 साल वहीं निकाले गुरु अंगद देव जी की सेवा में। अल्टीमेटली जब नेक्स्ट गुरु नॉमिनेट करने का समय आया 1552 में, तो गुरु अंगद देव जी ने, जैसे गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को बाईपास करते हुए गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाया था, वैसे ही गुरु अंगद देव जी ने इस प्रथा को कंटिन्यू किया। उन्होंने भी अपने दोनों जो बेटे थे उनके, दासू और दातू, उनको ना गुरु बनाते हुए गुरु अमरदास जी को जो है गुरु नॉमिनेट कर दिया। ठीक है जी, अब गुरु अमरदास जी को भी खदूर साहिब छोड़ना पड़ा, जिस वजह से गुरु अंगद देव जी को करतारपुर छोड़ना पड़ा था, उसी वजह से गुरु अमरदास जी को खदूर साहिब छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनहेरिटेंस का लॉ था। तो ये प्रॉपर्टी जो है अल्टीमेटली क्लेम किसने कर ली, दासू और दातू ने। ठीक है, तो गुरु अमरदास जी ने उस जगह को छोड़ करके एक नया सेंटर डेवलप किया, एक नया टाउन डेवलप किया, जिसका नाम था गोइंदवाल साहिब। अब ये जो आपका गोइंदवाल साहिब है, ये प्रेजेंटली तरन तरन डिस्ट्रिक्ट में आता है पंजाब के। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोइंदवाल साहिब द सेंटर विच वॉज इस्टेब्लिश बाय गुरु अमरदास जी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। डायरेक्ट क्वेश्चन, नीचे चार ऑप्शन होंगे, चार डिस्ट्रिक्ट के नाम होंगे, उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा तरन तरन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जब हम गुरु अमरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, तो एक उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उस सिस्टम का नाम था मंझी सिस्टम। अब ये मंझी सिस्टम क्या था, अब
जो गुरु अमरदास जी थे ये पहले गुरु बने जिन्होंने बहुत एक्टिवली सिख फेथ को प्रोपोगेट करना शुरू किया, ठीक है, एक लॉजिकल और प्लान मैनर में। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, सिखिज्म को और जो सिख रिलीजन की जो आइडियोलॉजीज थी उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने सिख मिशनरीज बनाए और उनको इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा, ठीक है, और अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अलग अलग एरियाज में सिख संगत बनाई। ऐसी 22 संगतें इन्होंने बनाई जो पूरे देश में जिसको स्प्रेड किया गया, और हर जो संगत थी इसको क्या बोला जाता था, मंजीस, और हर संगत के लिए, हर मंजी के लिए एक लोकल डिवोट सिख प्रीचर को रख लिया गया। मंजी इस तरह से मंजी होती थी, और ये इसको सिस्टम को मंजी सिस्टम इसलिए बोला गया क्योंकि जो ये सिख प्रीचर होता था ये ऐसे मंजी के ऊपर बैठता था और बाकी जो सिख जो शिष्य होते थे वो नीचे जमीन पर बैठ करके ज्ञान लेते थे, इसीलिए इसे मंजी सिस्टम बोला गया। ये तो हो गया आपका मंजी सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पीवी सिस्टम की। अब गुरु अमरदास जी जो थे ये गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को औरतों में भी स्प्रेड करना चाहते थे, चाहे वो पंजाब की औरतें हों चाहे वो पूरे हिंदुस्तान की हों। इसी के साथ साथ जो गुरु अंगद देव जी थे, जैसे गुरु नानक देव जी इक्वालिटी प्रमोट करते थे औरत और आदमी के बीच, वैसे ही गुरु अमरदास जी भी इक्वालिटी प्रमोट करते थे, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो वुमेन थी वो अभी भी घर के आदमी के कंट्रोल में थी, घर के मेन के कंट्रोल में थी, ठीक है। वुमेन को जन्म देते हुए या उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय उनको अनक्लीन समझा जाता था और बाकी घर से दूर कर दिया जाता था, ठीक है। और इसी के साथ साथ गुरु अमरदास जी ने ये देखा कि जितनी औरतें हैं, जितनी वाइफ्स हैं, वो अपने घर के आदमियों के कंट्रोल में हैं, और जो वाइफ है या डॉटर है, जो फैमिली की जो भी वुमेन है, उसको ऑनर कंसिडर किया जाता है अपना। और बिकॉज ऑनर कंसिडर किया जाता है तो इसीलिए ये माना जाता है कि कोई बाहर का मेल, कोई फैमिली से बाहर के मेल के कांटेक्ट में वुमेन को नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी, सारे अगर सिक्स जो प्रोपोगेट करने वाले, जो सिखिज्म प्रोपोगेट करने वाले सारे मेल प्रीचर्स थे, ठीक है, और जो इंडिया में जो मर्द थे वो ये कहते थे कि नहीं भाई हमें तो घर की औरत को बाहर वाले मर्द की नज़रों से दूर रखना है। तो गुरु अमरदास जी ने अब इस चीज़ का तरीका क्या निकाला, उन्होंने वुमेन स्पिरिचुअल लीडर्स को प्रमोट किया, जो इन जो ये पीड़ित औरतें हैं, जो ये आदमियों के कंट्रोल में औरतें हैं, उनको गाइड कर सके। अब ये जो लोग हैं, ये जो पुरुष हैं, ये अब ये नहीं कह सकते कि बाहर के मर्द के सामने हम अपनी बीवी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्रीचर कौन है, एक वुमेन है, ठीक है। और इस सिस्टम को गुरु अमरदास जी ने क्या बोला, इस सिस्टम को बोला पीवी सिस्टम। तो सिस्टम वही है, मंजी सिस्टम जैसा ही सिस्टम है। मंजी सिस्टम में क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पर्टिकुलरली स्पेशली वुमेन में स्प्रेड करना है, वो पूरे हर जगह प्रीच करने के लिए था। लेकिन पीवी सिस्टम स्पेशली वुमेन स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं अमंग द वुमेन, ताकि सिखिज्म को या जो सिखिज्म की वैल्यूज हैं उसको प्रोपोगेट कर सके, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया, ठीक है। नाउ दिस पीडीज, यानी कि जो ये स्पिरिचुअल लेडीज थी, वर द लेडीज हुज ऑब्जेक्टिव वॉज टू लाइट द फ्लेम ऑफ द गुरुज वर्ड एंड स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ नाम अमंग वुमेन। ऑलराइट, और कुछ इंपॉर्टेंट पीढ़ीज जो हुई हैं सिखिज्म में, जैसे बीबी भानी, बीबी दानी, बीबी पल, ये इंपॉर्टेंट जो है वुमेन्स हुई हैं पीढ़ी सिस्टम में। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा जो गुरु अमरदास जी से रिलेटेड है वो है अकबर की विजिट का। ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है कि विच मुगल रूलर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु अमरदास जी, तो आप कह दोगे कि अकबर वॉज द कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब कि समकालीन, जो एक समय में एग्जिस्ट करते हैं, एक टाइम में होते हैं। ऑलराइट, तो गुरुजी ने, जो गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम शुरू किया था उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। गुरुजी ने एक सेइंग दी जो कहती थी पहले पंगत फिर संगत। इसका मतलब क्या था कि पहले सबको लंगर में जाना होगा और उसके बाद गुरु से मिलेंगे। इसका मेन रीजन क्या था कि जो भी ऊंच नीच, लंगर शुरू में गुरु नानक देव जी ने शुरू क्यों की थी कि भैया ऊंच नीच खत्म करना है, ऊंचा नीचा सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं। तो अगर कोई ऊंची जाति का सिर्फ गुरुजी से मिलना चाहता है लेकिन वो अभी भी ऊंच नीच में विश्वास रखता है तो वो खाने नहीं जाएगा लंगर, तो उसके मन का वो मैल दूर नहीं होगा। तो गुरुजी कह जाते थे कि पहले उसके मन का वो मैल दूर हो जाए, चाहे वो आदमी छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सब लोग एक साथ बैठ करके एक जगह पर खाना खाएं, उसके बाद ही गुरु मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, अकबर पहुंच गए गुरु साहिब से मिलने के लिए।
ठीक है, लेकिन उनको गुरुजी से मिलने नहीं दिया गया। पहले अकबर को बोला गया कि पहले आपको जाकर के लंगर में खाना खाना होगा, उसके बाद ही आपको गुरु साहिब मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अकबर वॉज, अकबर भी आप सब जानते हैं कि काफ़ी महान व्यक्ति रहे हैं, तो अकबर ने इसको अपने ईगो पे नहीं लिया और उन्होंने ऐसा ही किया, पहले लंगर में खाना खाया और उसके बाद गुरु जी से मिलने चले गए। इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा, जो अकबर थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस सिस्टम से कि उन्होंने अपना डिज़ायर एक्सप्रेस किया गुरु जी को कि मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी, रॉयल प्रॉपर्टी दे देता हूँ जहाँ पर आप ये गुरु का लंगर चला सकेंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं भैया, हमें कोई रॉयल प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, और ये कहकर के उन्होंने अकबर के ऑफर को बड़े प्यार से डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन गुरु अमरदास जी ने साथ ही अकबर को परसुएड कर लिया, उसको मना लिया कि वो पिलग्रिम टैक्स जो लगाया जाता है वो हटा दें नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है। और गुरु अमरदास जी ने अच्छे रिलेशंस मतलब अकबर के साथ मेंटेन किए। सोशल चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे सोशल चेंजेस के लिए गुरु अमरदास जी ने काम किया। सती के अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। जो पर्दा सिस्टम था उस समय में, जो बुरखा में औरतें रह रही थी, घूंघट में औरतें रह रही थी, उस सिस्टम के खिलाफ इन्होंने विरोध किया, ठीक है। न्यू बर्थ, मैरिज एंड डेथ सेरेमनी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। वुमेन का स्टेटस इन्होंने रेज किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो लड़की पैदा होने के बाद लड़की को मार दिया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो, गुरु अमरदास जी ने एक बौली कंस्ट्रक्ट की गोइंदवाल साहिब में ही। ये बौली जो थी, बौली क्या होता है, एक तरह का तालाब टाइप होता है, ठीक है। और ये बौली तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ बनाई गई, 84 स्टेप्स बनाए गए, और एक तरह से पहली बार सिख रिलीजन के लिए एक पिलग्रिमेज सेंटर बन गया, एक धार्मिक जगह बन गई, पहली बार सिखिज्म के इतिहास में। उसके साथ साथ इन्होंने प्रेयर ऑफ अनंत साहिब, ये इन्होंने लिखी, जो 5 बानियों में से एक बानी जो है सिखिज्म की, उसमें से इसको गिना जाता है अनंत साहिब, ठीक है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि अनंत साहिब जो बानी है ये कौन से गुरु जी ने लिखी, तो आप कह दोगे अमरदास जी ने। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हमें डिस्कस करना था अनंत कारज। तो अनंत कारज बेसिकली क्या है, ये सिख मैरिज सेरेमनी को नाम दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस करें तो गुरु अमरदास जी ने एक 40 पैरा का एक कॉम्पोजिशन लिखा था, एक भजन लिखा था जिसको कहा जाता है अनंदू, ठीक है। और ये जो बेसिकली अनंदू था, इट वॉज टू बी संग ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स, रिलीजियस ओकेजन्स या कोई भी जो इम्पॉर्टेंट ओकेजन है उस पर इसको गाना था। उसके बाद जो गुरु रामदास जी थे, जो उनके सक्सेसर थे, उन्होंने एक और जो है इसमें एडिशन कर दी जिसको कहा गया लावन। अब ये जो लावन है, ये जो सिख शादियां होती हैं उसमें इसको रिसाइट किया जा सकता है, लावा या लावन जो भी इसको आप बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। अब महाराजा रंजीत सिंह के समय ये थोड़ा जो अनंत कारज का जो सेरेमनी थी, ये थोड़ा सा इसका इन्फ्लुएंस जो है कम हो गया, क्योंकि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, जो ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था। लेकिन फिर अंग्रेजों, 19 सेंचुरी में अगर आप देखो, निरंकारी रिफॉर्म मूवमेंट्स आई और उन्होंने निरंकारी रिफॉर्म मूवमेंट में अनंत सेरेमनी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। एंड अल्टीमेटली अनंत मैरिज एक्ट, ये अनंत नहीं है, अनंत मैरिज एक्ट 1909 ये पास किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, टू रिकोगनाइज द वैलिडिटी मैरिज सेरेमनी कॉमन अमंग द सिक्स, दिस सेरेमनी इज नाउ यूनिवर्सली ऑब्जर्व्ड। अब जहाँ पर भी सिख मैरिज होती है वहाँ पर इस सेरेमनी को आप होते हुए इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। और एक तो आनंद करज भी आपको समझ आ गया, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप इजिली आंसर कर देंगे प्री में। ऑल राइट, उसके बाद मीटिंग भाई जेठा। अब हुआ क्या, गुरु जी ने अपनी जो सबसे उनकी छोटी बेटी थी बीबी भानी, उनकी शादी कर दी एक व्यक्ति के साथ, उनका नाम था जेठा। ये जेठा भाई जो थे लाहौर से थे, ठीक है। अब जेठा जी एक बार गुरुजी से मिलने आए, और गुरुजी से वो इतने ज़्यादा मतलब मिलने के बाद इतने ज़्यादा उनके भक्त बन गए कि वो वहीं रुक गए, गोइंदवाल में सेटल डाउन हो गए, ठीक है। वहीं पर उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया और गुरुजी की सर्विसेज में लग गए। अल्टीमेटली जब गुरुशिप, जब गुरुगद्दी ट्रांसफ़र करने की बात आई, तो उस समय गुरु अमरदास जी ने भी अपने बच्चों को ना कंसिडर करते हुए अपने जमाई यानी कि अपने सन इन लॉ जेठा, जो आगे गुरु रामदास जी के नाम से जाने जाने लगे, उनको गद्दी जो है आगे ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अल्टीमेटली गुरु अमरदास जी की डेथ हो गई एट द एज ऑफ 95, ठीक है, ऑन भदौन सऊदी 14th सांवत 1631। ये देसी कैलेंडर के हिसाब से है, और अगर हम जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इट इज सितंबर 1, 1574। गोइंदवाल साहिब में ही इनकी डेथ हुई। गोइंदवाल साहिब आपका प्रेजेंट डे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नियर अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, और आफ्टर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरुशिप टू द 4th नानक गुरु रामदास।
ओके, अब क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। बर्थ 1479 बसार के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। फादर मदर हम देख चुके हैं तेज बहन जी, माता भक्त कौर, स्पाउस मनसा देवी। सन्स एंड डॉटर्स वी हैव सीन इट, गुरु गद्दी 1552 में मिली और 1554 तक ये गुरु रहे। स्टार्टेड मंजी सिस्टम और इसके अलावा पीरी सिस्टम भी हमने यहाँ पर देखा था। उसके अलावा आनंद साहिब जो है इन्होंने कंपोज किया एक बानी। सिटी फाउंडेड गोइंदवाइल साहिब जो आपका तरन तरन डिस्ट्रिक्ट में है। कंस्ट्रक्टेड बौली साहिब एट गोइंदवाइल साहिब। इंट्रोड्यूस्ड पंगत मस्ट रिसीड संगत, यानी कि गुरु से मिलने से पहले आपको लंगर में खाना खाना होगा। मुगल एम्परर इट इस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर सक्सेसर कौन थे, भाई जेठा जी, जो आगे चलकर गुरु रामदास जी के नाम से जाने जाने लगे। ज्योति जोत यानी कि डेथ, दैट इज गोइंदवाल साहिब 1574। ये यहाँ पर गुरु गद्दी जो है 1554 से 1574 तक होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर sikshit@gmail.com। ऑलराइट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सो आई होप आप अपनी तैयारी पूरे जोरों शोरों से करेंगे और अपना कोरोना के समय में अपना ध्यान रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।